तो अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो WhatsApp के एक नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं। अब आप यहां पे WhatsApp को किसी भी WhatsApp वेब से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको QR कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के आपको 8 डिजिट का वहां पे OTP को फिलअप करना है। वो 8 डिजिट का वहां पे जो सिक्योरिटी कोड मिलेगा उसको डालने के बाद किसी भी WhatsApp वेब में आप अपने WhatsApp नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर देखने मिल जाता है और इस फीचर को आपको यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि WhatsApp के इस नए फीचर को कैसे आप अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास मोबाइल है उस मोबाइल में WhatsApp को आपको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद जैसे आप WhatsApp को ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने मिल जाएगा। देन अगर आप यहाँ पे 3 डॉट में जाते हैं और 3 डॉट में जाने के बाद आपको लिंक डिवाइस वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए लिंक एट डिवाइस वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको QR कोड देखने मिलेगा जिसको आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। WhatsApp वेब का ये ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाता है। उसके नीचे में अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक विथ फोन नंबर इंसर्ट। ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का यहाँ पे कोड देखने मिलेगा तो उस कोड को कैसे फिलअप करना वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये दूसरा डिवाइस है और इसमें आपको दूसरा वर्सन देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसका वर्सन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वर्सन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो वर्सन मिल रहा है 2.23.19.12 ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे WhatsApp को ओपन करता हूँ, ओपन करने इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है और यहाँ पे मेन्यू वाला ऑप्शन नीचे में देखने मिल जाता है। तो जैसा भी आपका यहाँ पे WhatsApp दिख रहा है सभी में ये वर्क करेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिला इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने में देखिए यहाँ पे भी आपको लिंक डिवाइस वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने वाले लिंक डिवाइस में जाइएगा तो आपको यहाँ पे भी स्कैन का ऑप्शन देखने मिलेगा। QR कोड स्कैन के लिए बोला जाएगा, इस प्रकार का देखने मिलेगा। और नीचे में देखिए इसमें भी आपको लिंक विथ फोन नंबर इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद इसमें भी आपको कोड देखने मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे कोड को कैसे फिलअप करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल है तो उसमें आप सिंपली क्या करें, गूगल क्रोम को ओपन कर ले। तो चलिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है व्हाट्सएप वेब। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेगा व्हाट्सएप वेब तो web.whatsapp.com ये आपको देखने मिलेगा। इस पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे वेट करना है और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे QR कोड देखने मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे QR कोड आ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ये आने के बाद अगर आप यहाँ पे थर्ड में देखिएगा तो आपको लिंक एट डिवाइस वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। और दोस्तों नीचे में अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो नीचे में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक विथ फोन नंबर। ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको नीचे में देखने को मिल जाता है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं लिंक विथ फोन नंबर वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने बाद दोस्तों ऊपर में आप यहाँ पे जाते हैं तो ऊपर में जाने बाद आपको यहाँ पे इंडिया कंट्री देखने मिलेगा। देन आपको मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको मोबाइल नंबर आपने व्हाट्सएप चला रहे हैं उस मोबाइल नंबर को इसको आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप कर लिया। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है और एक मिलता है लिंक विद QR कोड। QR कोड से भी आप कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी आप लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करने में देखिए ये कोड आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अब उस कोड को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ये जो ऑप्शन मिला इस पर फिलअप कर लेना है। तो इसमें भी देख सकते हैं 8 डिजिट का कोड देखने मिल रहा है और इसमें भी आपको 1 डिजिट का कोड मिल रहा है। तो चलिए यही सेम कोड को मैं आपको यहाँ पे फिलअप करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कोड आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और इस प्रकार से मैं यहाँ पे कोड को डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कोड डालिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा और आपको सही कोड दोस्तों यहाँ पे डालना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे कोड डाल सकते हैं और ये कोड हमेशा चेंज होते रहता है दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पे कोड डालिएगा, कोड डालने के बाद देखिए यहाँ पे स्कैन होना चालू हो जाएगा और लॉगिन होना चालू हो जाएगा। और कुछ देर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको गूगल क्रोम देखने मिलेगा और ये लॉगिन देखने मिलेगा। और सेम चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बैक होगा तो बैक होने के बाद देख सकते हैं दोनों में आपको यहाँ पे लॉगिन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज करता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और मैं यहाँ पे जैसे हेलो लिखूंगा तो हेलो लिखने के बाद देख सकते हैं इसमें भी आपको हेलो वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ये आप अगर देखें तो इसमें भी हेलो वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अनलिंक करना है, लॉग आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉग आउट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, सिंपली क्या करना है लॉग आउट पे क्लिक कर देना है
और दोस्तों जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक कीजिएगा, लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगआउट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोफाइल में जाऊंगा, लिंक डिवाइस में जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगआउट हो चुका है। जो आपको गूगल क्रोम यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो अब आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और ये लॉगिंग आउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।